नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद चौक पर और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहां पर जो है पुतला दहन किया गया भारतीय जनता पार्टी का। आइए, महानगर अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, पूछेंगे क्या मामला है। राजेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। क्या कहना चाहेंगे, आज ये जो पुतला दहन किया गया है किसका किया गया और क्यों किया गया? पिछले दिनों अभी कल परसों में भाजपा आईटी सेल ने हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया और सोशल मीडिया में उनके नाम को रावण की तरह दिखाया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि रावण जो है वो सीता जी का हरण करने के लिए किसके भेष में आया था, फकीर के, साधु के भेष में। और जो वर्तमान हमारे सत्ताधारी हैं वो खुद कह रहे हैं मैं फकीर हूँ। तो इन बातों की वजह से उनका पुतला फूंक रहे। भाजपा जो है, जो इस देश की मूलभूत समस्या है, किसान की है, युवा की है, गरीब की है, दलित की है, पिछड़े की है, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, डॉलर है, काला धन है, उन सब मुद्दों पर भाजपा जो है फेल होगी, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं, दाएं बाएं घुमा के जो है इसे काम को करना चाह रहे हैं जो चलने का। तो कांग्रेस जैसे आप लोगों ने आज पुतला फूंका है, आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, आप लोगों का क्या कहना है? ये हमारा मानना ये है कि भारत जो है एक विशाल देश है जिसमें कई हजार जातियां, कई सौ बोलियां, काफी भाषाएं हैं, हजारों फिरके हैं, सैकड़ों धर्म हैं। इस देश को जोड़ के चलने की जरूरत है और वो जुड़ेगा जब ही जब लोगों में देश प्रेम की भावना होगी। अगर हम एक दूसरे के प्रति कटु भावना रखेंगे, किसी धर्म को गाली देंगे, किसी समुदाय को गाली देंगे, किसी संप्रदाय को गाली देंगे, किसी वर्ग विशेष को हम टारगेट करेंगे, तो इससे देश में बिखराव होगा। हमारा जो ध्यान होना चाहिए, सरकार की प्राथमिकता है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, दुनिया पे टैक्स कम थोपना, अपनी जनता को सहूलियत देना, अपने रुड़की में आप देखो एंटी रेबीज का जो है टिक्का नहीं है। किस बात का यहाँ ट्रिपल इंजन है, क्या कर रहे विधायक जी? विधायक जी गए वहाँ जो है कल वो डिजिटल वाला कर आए। अरे भाई, वहाँ दवाई भी तो चाहिए, डिजिटल को फूंकते हो जब वहाँ दवाई है नहीं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अस्पताल में पर्चा बनवा लिया, दवाई है नहीं, क्या करेंगे ऐसे अस्पताल का? जैसे आप कह रहे हैं कि रावण का नाम दिया गया है, एक तरफ राम का नाम, एक तरफ रावण का नाम, तो क्या ये जो आने वाले चुनाव है राम रावण में बांटना चाह रहे हैं क्या? अभी इन्होंने पिछले दिनों एक नया वो चलाया के लव जिहाद फलाना, अब ये रावण चला रहे हैं। चलिए, ये मुद्दों पर फेल हो गए, मुद्दों की बात ही नहीं करते। अभी कल मैं ट्विटर पे देख रहा था, एक पत्रकार ने भाजपा की सांसद जो प्रेस को संबोधित कर रही थी उनसे महंगाई पे पूछा, उसने कहा अच्छा भैया बाद में बात करें, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, डॉलर पे, उस पर कुछ बोल ही नहीं रहे, दही पे टैक्स, आटे पे टैक्स, ब्रेड पे टैक्स, और अब जल्दी मीडिया पर भी टैक्स लगेगा। विपक्ष अपनी भूमिका क्यों नहीं निभा रहा इन सब मुद्दों को लेकर? विपक्ष क्यों नहीं सामने आता? फ्रंट फुट पे अगर विपक्ष आए तो कहीं ना कहीं सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। देखो मनीष, आप ये भाजपा का एक शगुफा है जिसमें आप भी फंस गए कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। जब विपक्ष का मुख्य नेता सदन में बोल रहा है, उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, उसकी सदस्यता खत्म की जा रही, जो विपक्ष के प्रमुख शेयर है उन्हें आप सदन से अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित कर रहे, तो विपक्ष क्या करे? तो मजबूर हो गया विपक्ष? नहीं, मजबूर नहीं हुआ विपक्ष, कितना भी ये दबा ले विपक्ष अपनी आवाज उठाएगा। विपक्ष गरीब की, पिछड़े की, दलित की, अमीर की, गरीब की, युवा की, सबकी आवाज उठाएगा। विपक्ष अगर ना हो ना ये देश भेज देंगे। 36% पीएसडी जी ने एक नारा दिया था, चरखा चलाओ, उसका कंसेप्ट क्या था, मूलभूत क्या बात थी कि हमारे पास चरखा है, मशीन नहीं है, हम चरखे से ही अपने लायक कपड़ा बुनेंगे। उन्होंने इसे कोई बिजनेस के लिए नहीं किया, उन्होंने लोगों में एक चेतना देने के लिए चरखे की बात की और ये बेचने की बात कर रहे हैं। यानी गांधी लोग जो है वो तो चरखे से भी कपड़े का निर्माण कर रहे और ये बनी बनाई रियासत को बेच रहे, क्या फर्क है दोनों में? देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है क्योंकि कांग्रेस के पास नीति है, नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आप ये देखिए, ना युवा, ना युवती, ना छात्र छात्राएं, ना व्यापार, ना किसान, कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चेहरे से हंसी गायब हो गई है। तो इस हंसी को लाने के लिए विपक्ष को एक होना चाहिए और इस पार्टी को चाहिए। राष्ट्रीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अपन टिप्पणी की है वो हमें बर्दाश्त नहीं है, उसी के विरोध में हम यहाँ पर
पर पुतला दहन कर रहे हैं क्योंकि भाजपा बौखला चुकी है। मान लो कभी किसी को ईडी के नाम पर, कभी किसी को उल्टे सीधे बकड़े के नाम पर लोगों को डराने का, धमकाने का और उल्टी सीधी बात करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं। जो वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। आज वो इसी तरह का ईडी का इस्तेमाल कर रही है और उल्टे सीधे पकड़ने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। आने वाले 2024 में जनता ने मन बना चुका है इसे उखाड़ देंगे। तो ऐसी क्या भद्र टिप्पणी कर दी गई है जिसको लेकर आप लोग आज आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं? रावण जैसा पता नहीं क्या 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 बोला। पहले एक इस तरह के माने सम्मानित हमारे राहुल गांधी थे, कोई भी हो चाहे एक आम इंसान क्यों ना, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। सचिन जी क्या कहना चाहेंगे, आप भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसा क्या मामला है, किस चीज को लेकर आक्रोशित है आप? देखिए आज कांग्रेस पार्टी जो है इस बात के लिए बहुत आक्रोशित है कि भाजपा पार्टी ने अपने पोर्टल पर हमारे माननीय राहुल गांधी जी को रावण की खिताब दिया है। देखिए किसी भी व्यक्ति को कोई चीज ऐसे कहना अभ्रद है। भाजपा पार्टी वैसे तो कहते हैं हमारे अंदर संस्कार है, हम अनुशासन में रहते हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जो वो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कभी कहते नहीं। और भाजपा पार्टी हमेशा से इस बात के लिए रही है कि वो हमारे जितने भी टॉप के लीडर्स हैं, चाहे उसमें हमारे सोनिया गांधी जी हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे उसमें माननीय राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्हें किसी ना किसी तरह से तंग करने का काम और बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हम भाजपा पार्टी का जो है इस वक्त पुतला यहाँ पे दहन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो है लगातार धरातल पर रहकर संघर्ष कर रही है और अपने लोगों को जीवित करने की कोशिश कर रही है। हम आमजन के लोगों के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं और उनकी जो लड़ाई है वो लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार जो है भाजपा और भाजपा के लोग जो हैं उसको कुचलने का काम कर रहे हैं, उसको तहस-नहस करने का काम कर रहे हैं। तो ये संदेश क्या जाएगा जिस प्रकार से आप आज पुतला दहन कर रहे हैं, क्या संदेश जाने वाले? हम भाजपा पार्टी को कड़ा संदेश देना चाहते हैं, या तो वो अपनी करतूतों से बाज आ जाए, अन्यथा एक जन आंदोलन जो हम करेंगे और जो होते अग्रसर होकर आगे लीड करेंगे हमारे कांग्रेस के नेता, तो उन्हें सहन नहीं होगा और देखिएगा 2024 में ये जन आंदोलन जो है उन्हें उखाड़ फेंके भाजपा की और उन्हें अपनी सोच को बदलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया है, कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर पर राहुल गांधी जो बड़े नेता है कांग्रेस के, उनको आधुनिक युग का रावण बताया गया है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मनीष।